नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। प्रस्ताव साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा ग्राम जामू में श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी सुमन की अध्यक्षता तथा कवि अशोक शास्त्री के संचालन में एक काव्य समारोह का आयोजन हुआ। काव्य समारोह का शुभारंभ वरिष्ठ कवि राम नरेश चौहान की वाणी वंदना से शुरू हुआ। काव्य समारोह में सब श्री अशोक शास्त्री, कैलाश वाजपेयी, राजेंद्र अवस्थी, राजीव मिश्रा, राजेश सिंह, अनुज सिंह, मनमीत, राजकुमार सचान आदि रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। आगंतुकों के प्रति आभार श्री मुन्ना सिंह चंदेल ने व्यक्त किया। स्वैच्छिक दुनिया की ब्यूरो रिपोर्ट। जब मेहमान आते हैं आमतौर पे लोगों के यहाँ तो नाक भौं सिकोड़ते हैं, वो स्वागत वागत नहीं होता है। कैसे कहाँ से आ गया। घर में जब आते हैं मेहमान, स्वागत का अंदाज कहाँ है, स्वागत का अंदाज कहाँ है। आज आगे बढ़ी और पढ़ी बेटियाँ, पर्वतों के शिखर पर चढ़ी बेटियाँ, दुश्मनों की नजर जब पड़ी देश पर, हाथ बंदूक लेकर लड़ी बेटियां, हाथ बंदूक लेकर अब तो वो पत्थर समझता है मुझे, अब तो वो पत्थर समझता है मुझे, अब तो वो पत्थर समझता है मुझे, पहले से बेहतर समझता है मुझे। क्या बात है, क्या बात है, समझता है मुझे पहले से बेहतर है। वो मेरा है मुझको उस पर नाज था, वो मेरा है, वो मेरा है मुझको उस पर नाज था, जो पांव का कंकर समझता है मुझे। महोदय जी ने एक बार हमसे बड़ा कठिन प्रश्न पूछा, बड़ा कठिन प्रश्न पूछा। वैसे शिक्षक मैं हूँ, विद्यालय में मैं अपने बच्चों से प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे नहीं बता पाते कभी कभी, लेकिन उन्होंने बहुत दिनों के बाद एक ही प्रश्न पूछा और हम नहीं बता पाए। अब देखिए प्रश्न क्या था कि महंगाई बढ़ रही है, आसमान में चढ़ रही है, मगर एक ऐसी चीज है जिसका दाम पिछले 40-50 साल से नहीं बढ़ा है, उस चीज का नाम बताओ। ये हमारे शास्त्री जी ने हमसे पूछा, ये सच्ची घटना है एकदम से। अच्छा, हमने मार मोबाइल वोबाइल नया खरीद के लाए थे, खूब इधर उधर सर्च किया, गूगल में पूछा कि बाबा बताओ, भैया गूगल बाबा बताओ, वो नहीं बता पाए। अरे 50-60 साल हो जाए और दाम ना बढ़े, ऐसा कहीं होता है। हर 6 महीने में नया दाम आता है, नया प्रिंट आता है। दो चीजें खींची आती है तो खाल खींची आती है, तो फोटो खींची आती है। साल भगवान मुझे इतना दे रहा है तो एक महीने की राशि मैं हिंदी के उत्थान में समर्पित कर। बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी घोषणा है, स्वागत। वैसे तो मैं चाहता था मेरा एक खंड काव्य नया लिखा है सहस्रानंद बाद। अच्छा, आप सुन चुके हैं उसकी समीक्षा के लिखेंगे? समीक्षा में लिखनी है तो हम उसका एक सर्ग सुनाना चाहते थे, लेकिन अब समय के अभाव में हम उसे नहीं सुना पा रहे हैं। फिर आगे जब भी इनकी इच्छा होगी, सब लोगों की इच्छा होगी, तब हम कार्यक्रम स्वीकार कर लेंगे। पैसा और व्यय की कोई चिंता नहीं। आपके समक्ष सिर्फ एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं।
एक छंद, मैं सदैव छंद लिखता हूं और मात्रिक छंद लिखता हूं। वैसे गीत भी हमने बहुत लिखे, मुक्तक भी बहुत लिखे। तो एक मात्रिक छंद आपको सुनाना चाहता हूं जिसमें सुगय का वर्णन है, भूल का वर्णन। रूपक अलंकार से युक्त उस छंद को आप सुनिए। अब याद रहता नहीं हमें बिना पढ़े। नहीं नहीं तो ऐसे ठीक है। अरे इसकी बीमारी भी आ गई है, हम तो कविता छोड़ो आदमी तो भूल जाते हैं, नाम भूलने लग रहे। जी सर, रात बीत रही है और सवेरा हो रहा है, ब्रह्म बेला उसका चित्रण है। देखिए, एक तारों खचित सुश्याम साटिका का अवगुंठन थी डाले, तारों खचित सुश्याम साटिका का अवगुंठन थी डाले, असुर भित सगन सजल उसके थे, केश बड़े काले काले। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहने कुमुद श्रवण छोरों में, बहने कुमुद श्रवण छोरों में, अधरों में आनंद सदा, आँखों से ओ सासु गिराती, आँखों से ओ सासु गिराती, निशा बधु हो रही विदा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर वर्णन है भाई। बहुत सासु गिराती हो रही विदा, निशा को बधु हो रही विदा, निशा को बधु के रूप में स्वीकार किया गया। जब कोई बहू विदा निशा बधु हो रही विदा, निशा को बधु मान लिया। सुकर जाल को स्वकर समेटे, चंचल चंद्र चला आगे, सुकर जाल को स्वकर समेटे, चंचल चंद्र चला आगे, अब दुख में रोदन सुन कर उसका, पक्षी कल रो कर जागे। क्या बात है भाई, सुबह हो रहा है। तो कुक्कुट ने सूचना बिखेरी, कुक्कुट ने सूचना बिखेरी, और चारू चकोर लगा रोने, चारू चकोर लगा रोने, और बजने लगी बधाई धीरे, दिशा पतीची के कोने। क्या बात है, जय 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 जय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।